आप देख रहे हैं KSN 24, पल पल की खबर। नमस्कार, मैं हिमानी सिंह और आप देख रहे हैं KSN 24। KSN 24 की खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए अब नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। आम जनता के चहेते युवाओं के दिल में बसने वाले शिक्षित योग्य युवा सरपंच प्रत्याशी ग्राम पंचायत सक्री पद से पवन कुमार वर्मा नारियल पेड़ छाप का जबरदस्त लाइव घोषणा हुआ आम जनता की राय। शत्रुहन, कौन सा गांव है? सक्री। कैसे सरपंच है तू मल्ला? विकास करेगा। क्या नाम है आपके? गुलशन खन्ना। कौन सा ग्राम है ये? ग्राम सक्री। तो आप लोगों को कैसा सरपंच प्रतिनिधि चाहिए? शिक्षित, तो जो काम करवा सके उसे सरपंच। आपके नज़र में? पवन वर्मा। पवन वर्मा। आपके क्या नाम है सर? राम खिलावन टंडन। कौन सा ग्राम है सर? सक्री पंचायत। इसमें कौन सा ग्राम आता है? ग्राम बोरतरा और सक्री। सक्री आशीष? हाँ आशीष नहीं, बोरतरा आशीष। हाँ तो यहाँ पे प्रत्याशी के लिए आप? प्रत्याशी यहाँ मिलन सार चाहिए और शिक्षित चाहिए जो अपने गांव के। हमारे नगर में तो सभी ठीक है, लेकिन यहाँ यहाँ जो गांव का विकास कर सके और अपने हक के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ सके वैसे चाहिए हम। आपके नज़र में वैसा? वैसा तो सभी प्रत्याशी है, मैं तो नाम किसी का नहीं बोल सकता हूँ। मैं सभी प्रत्याशी ठीक है हमारे लिए, लेकिन जो विकास चाहिए हमको वो अभी हुआ नहीं है। पिछड़ा हुआ हमारी ही वाड़े है। सरपंच साहब जो तो अभी तो मांग तो किए हैं, मैं तो यहाँ का पंच था, मांग तो बहुत सारी किए लेकिन कुछ सुना ही नहीं। पंच तो कुछ नहीं कर सकता है, करेगा तो पंचायत मतलब जो सचिव सरपंच वही लोग करेंगे। अजय कुमार खन्ना, यहीं सकरी पास से हूँ मैं। पवन वर्मा। पता चला पवन वर्मा? हाँ पता चल रहा है, लेकिन क्या पवन वर्मा जी यहाँ पे विकास कार्य कर पाएंगे? हाँ कर पाएंगे, बहुत अच्छे हैं और शिक्षित हैं, सब चीज़ कर पाएंगे वो। मेरा नाम लीलाधर कुमार साहू, ग्राम पंचायत सकरीपा से। कैसा सरपंच है आप लोगों को? हम लोग को शिक्षित, जैसे कि पवन वर्मा हमारे रोड कंक्रीटीकरण भी करवा चुके हैं। फेवर में है जी सर? और सपोर्ट कर रहे हो आप लोग जी? आपके पास में पवन वर्मा खड़े हैं तो क्या इसी डर से बोल रहे हो क्या? नहीं। चलिए जानते हैं पवन वर्मा सर से राय। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम पवन कुमार वर्मा है। कौन सा ग्राम? ग्राम सकरी पद से। और कौन सा पद के लिए? अभी सरपंच पद के लिए। तो कौन सा चुनाव चिन्ह है आप? चुनाव चिन्ह मेरा फलों सहित नारियल का पेड़। नारियल का जी। तो आप जनता के लिए और गांव के लिए क्या करना चाहते हैं? जनता और गांव के लिए मेरा सोच यही है कि आज यदि मैं सकरी पंचायत की बात करूँ तो विकास के दौर में 20 साल पीछे चल रहा है सकरी पंचायत जो है, और मैं एक उद्देश्य लेके चल रहा हूँ कि आने वाले समय में ये एक युवा शक्ति जो चलती है, युवा जोश के साथ में काम करता है और युवा पर ही समाज और दुनिया पूरी भारत टिका हुआ है। और कुछ ऐसा करना चाहता हूँ, गांव को आदर्श ग्राम की ओर ले जाना चाहता हूँ और हर एक तालाब में तालाब की गहरीकरण, पचरी और रोड, और गांव में सामुदायिक भवन की भी कमी है। तो मेरा सोच यही है कि मैं जैसे पंचायत सरपंच बनता हूँ तो बिल्कुल मैं गाँव में विकास पर जोर दूँगा और गाँव में शराब और जो भी जुआ जैसे कुछ बुराइयां है उसे दूर करने का भरपूर प्रयत्न करूंगा। शिक्षा के लिए क्या सोचें? शिक्षा के लिए ये कि अपने गांव में जो शासकीय स्कूल है उसमें बेहतर से बेहतर शिक्षा की व्यवस्था किया जाए और शिक्षक की व्यवस्था किया जाए, यही मैं प्रयास करूंगा। शिक्षा के स्तर पर क्या सरकारी स्कूलों में CCTV कैमरे लगना चाहिए सर आपकी नज़र? मेरी नज़र में लगना चाहिए, क्योंकि आज स्तर शिक्षा का स्तर इतना बदतर होता जा रहा है कि लोग जो है शासकीय स्कूल में पढ़ाने के बजाय प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, और जो शिक्षक शासकीय स्कूल में हैं वही जो है अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। और इस स्थिति में देखा जाए, क्योंकि उनके घर से पढ़ने वाला कोई नहीं है, इसलिए स्तर बिगड़ता जा रहा है। मेरा सोच यही है और शासन को भी इस नज़र इसमें प्रयास करना चाहिए कि स्कूलों में एक समिति भी गठन किया जाए जो बीच बीच में उस जगह की निगरानी करता रहे, और CCTV कैमरा तो लगना ही चाहिए, क्योंकि आज के समय में देखा जाए तो कुछ ना कुछ अनहोनी घटना घटता ही रहता है, इसलिए ज़रूरी है CCTV कैमरा जो है। मैं उनके पक्ष में हूँ, सभी क्लास होने चाहिए।